हे गाइस, तो वीकली न्यूज का एक और एपिसोड और इस हफ्ते बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। बात करेंगे नेटफ्लिक्स के अपकमिंग शोज के बारे में, एल्डन रिंग मूवी टीवी शो के रूमर्स के बारे में, ड्यून 3 बॉलीवुड किल मूवी का इंग्लिश रीमेक, जुरासिक वर्ल्ड 4, टिंटिन 2 और भी बहुत सारे अपडेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीयू के अपडेट्स के बारे में। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने हाल ही में रिवील किया कि वो अपकमिंग एवेंजर्स 5 में दिखेंगे और ये भी हिंट दिया कि फिल्म का प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हो सकता है। नेटफ्लिक्स के एक रीसेंट वीडियो में कम्बरबैच ने कहा कि मैं अगले साल एवेंजर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और ये फिल्म बहुत धमाल मचाने वाली है। नेक्स्ट, एम्पायर मैगजीन ने अगाथा ऑल अलोंग का एक इमेज शेयर किया है जिसमें अगाथा बेसमेंट में तहखाने का दरवाजा खोल रही है। नेक्स्ट, ब्लैक विडो स्टार डेविड हार्बर ने ये कंफर्म किया कि थंडरबोल्ट्स का प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया गया है। इस मूवी को नेक्स्ट ईयर 5 मई के लिए स्केड्यूल किया गया है। नेक्स्ट, हुलू ने हिट मंकी के सीजन 2 का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है। मार्वल की ये एनिमेटेड सीरीज 15 जुलाई को हुलू पर रिलीज कर दी जाएगी। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोनी पिक्चर्स माइल्स मोरालेस एक लाइव एक्शन मूवी बनाने की सोच रहा है और कहा जा रहा है कि सोनी इस फिल्म के लिए कास्टिंग भी शुरू कर दिया है। हालांकि ये सिर्फ अभी रूमर है और कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। नेक्स्ट, कॉलिडर के साथ एक इंटरव्यू में एडी मर्फी ने बताया कि श्रेक 5 के साथ साथ डोंकी मूवी पर भी काम चल रहा है। श्रेक 5 का प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है और हो सकता है कि इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर रिलीज कर दिया जाए। नेक्स्ट, वन ऑफ माय फेवरेट द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन, जिसके सीक्वल के बारे में बताया गया कि द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन पर अभी भी काम चल रहा है और ये फिल्म कैंसिल नहीं हुई है। नेक्स्ट, रैल्फ मैकियो ने यह कंफर्म किया कि सोनी पिक्चर्स की न्यू कराटे किड मूवी का प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया गया है। करंटली इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर 30 मई के लिए स्केड्यूल किया गया है। नेक्स्ट, जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टेलिस्की और उनकी प्रोडक्शन कंपनी एक इंग्लिश लैंग्वेज रीमेक बना रहे हैं बॉलीवुड मूवी किल का। स्टेलिस्की ने किल के बारे में कहा कि ये फिल्म देखी गई अब तक की मोस्ट क्रिएटिव एक्शन फिल्म में से एक है। नेक्स्ट, पिछले कुछ टाइम से एल्डन रिंग टीवी सीरीज या फिल्म का रूमर चल रहा है और ऑथर आरआर मार्टिन ने हाल ही में ये हिंट दिया कि हाँ, ऐसा हो सकता है। मार्टिन का पूरा स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस हफ्ते ग्लैडिएटर 2 के कुछ इमेजेस रिलीज किए गए। पैरामाउंट के मार्क वेन ने ये बोल्ड क्लेम किया है कि रिडली स्कॉट की ग्लैडिएटर 2 में कुछ अब तक के सबसे बड़े एक्शन सीक्वेंसेस होंगे। इस फिल्म का रिलीज डेट 22 नवंबर शेड्यूल किया गया है। नेक्स्ट, वार्नर ब्रॉस ने अनाउंस किया है कि ड्यून के डायरेक्टर न्यू मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं जिसका रिलीज डेट 18 दिसंबर 2026 सेट किया गया है और डेडलाइन के अकॉर्डिंग ये मिस्ट्री प्रोजेक्ट ड्यून 3 हो सकता है। वैसे वार्नर ब्रॉस ने न्यू मॉन्स्टर वर्स मूवी का भी रिलीज डेट सेट कर दिया है। वार्नर ब्रॉस ने कंफर्म किया कि मॉन्स्टर वर्स की न्यू मूवी रिलीज होगी 26 मार्च 2027 में। नेक्स्ट, स्कारलेट जोहानसन जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज की अगली फिल्म जुरासिक वर्ल्ड 4 में लीड रोल प्ले करने के लिए तैयार है। स्कारलेट जोहानसन ने कहा कि वो जुरासिक पार्क की बहुत बड़ी फैन है और इस फिल्म के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। नेक्स्ट, नेटफ्लिक्स ने वन सीजन 2 का एक स्नीक पीक रिलीज किया है। सीजन 2 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है और ये वीडियो ये कंफर्म करता है कि सीजन 1 का कास्ट सीजन 2 के लिए रिटर्न कर रहा है। इसके अलावा नए सीजन में कुछ नए कैरेक्टर इंक्लूड किए गए हैं जिसका न्यू कास्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एक अपडेट सामने आया है। माया हॉक इस सीरीज में जो रॉबिन का रोल प्ले करती है, उन्होंने कहा है कि वी आर मेकिंग बेसिकली 8 मूवीज, द एपिसोड्स आर वेरी लॉन्ग, यानी कि सीरीज के सारे एपिसोड्स बहुत बड़े होने वाले हैं। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ मेजर अपडेट्स जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया। Until next time, take care and keep exploring.